आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं वो हम सभी को बहुत पसंद आता है। बनाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। तो फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी इसमें 1 कप दूध, जिसमें मैंने थोड़ा सा मलाई था दूध के ऊपर वो भी ले लिया है। आप जिस भी कटोरी या कप से मेजर कर रहे हैं तो सारा एक ही कटोरी या कप से मेजर कीजिएगा। और मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। अभी मैंने इसे गैस पे नहीं चढ़ाया है। अब मैंने अपने दूध और चीनी को गैस पे चढ़ा लिया है और लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे मैं इन्हें घुलने दूंगी। यानी कि हमें इसकी एक चाशनी बनानी है, लेकिन इसमें कोई तार नहीं बनानी है। दूध और चीनी घुल गया है, इसे हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे घुल जाना चाहिए। और घुल जाने के बाद 2 से 3 मिनट और हमें इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब स्टेज पे मैंने लिया है नारियल का बुरादा। तो 1 कप मैंने लिया है नारियल का बुरादा, इसे धीरे धीरे डाल लेते हैं। 1 कप दूध है, 1 कप नारियल का बुरादा है और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया है। मीठा आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं 1 कप ही चीनी, या फिर अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप आधा कप चीनी में भी बना सकते हैं, जिससे कि हल्का मीठा होगा। तो अब हम इसे एक बार चलाते हैं और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी 1 से 2 चम्मच घी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी दूध की मलाई भी डाल रखी है। तो आप देख सकते हैं ये इकट्ठा होने लग गया है। तो थोड़ा सा 1 मिनट हमें और पकाना है इसे। बस तरीका फ्रेंड्स इतना आसान हो और स्वाद इतना अच्छा हो तो कौन नहीं चाहेगा। त्योहारों पे घर में ही मिठाई बना लें, बाज़ार से हम मिलावटी मिठाई ना ला करके घर पे ही थोड़ी सी मेहनत से हम मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इकट्ठा हो गया है। अब मैं अपने गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल लें। मैं थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ, या फिर रोज़ एसेंस डाल लीजिए, केवरा एसेंस डाल लीजिए। त्योहारों पे थोड़ी सी इस तरह खुशबूदार मिठाइयाँ अच्छी लगती है। तो ये हो गया है। मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं घी डालकर इसे ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहें तो ट्रे ले सकते हैं, बटर पेपर आप लगा सकते हैं जिससे आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मैं आसान सा, क्योंकि बटर पेपर हर किसी के पास नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसे घी के साथ ही आपको ग्रीस करके बता रही हूँ ताकि हर कोई इसे आसानी से कर सकता है। और मैं इस तरह प्लेट में इसे इक्वली लगा लेती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर एक इस तरह एक एक बादाम लगा लेती हूँ। आप चाहें तो इस पे सिल्वर वर्क लगा सकते हैं या फिर कोई और ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी गीला है तो इसलिए मैंने इसमें अभी ही लगा दिया है। हल्के हल्के इसे इसमें प्रेस कर लीजिए और 1 घंटे के लिए आप किचन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिए, या फिर आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। चलिए काट लेते हैं। ये देखिए सेट हो चुका है। तो इसके आप बड़े छोटे आपको जैसे पीसेस बनाने हैं, या आप डायमंड शेप में बनाना चाहते हैं तो उस शेप में बना लीजिए। तो ये एकदम झटपट से इजी मिठाई की रेसिपी आप कब बना रहे हैं? फ्रेंड्स कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए पसंद आई रेसिपी। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम मुंह में घुल जाने वाली नारियल की बर्फी या नारियल पाक कह लीजिए आप, बन करके तैयार है।